व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और एक प्रैक्टिकल सी बात बोली गई है, आप लोग कितने सहमत थे इससे ये बात सुनने के बाद में जरूर बताना मुझे भी। बोला गया कि लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उन कामों को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये कभी नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कई बार इस तरीके के शब्द बोल दिए जाते हैं कि यार ये काम करने की तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है, बड़े बड़े धुरंधरों से काम नहीं हो, तुमसे क्या होगा। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, वो तो सामने वाले इंसान तो बोल के चला गया, हम उसको चैलेंज की तरीके से ले लेते हैं कि हम करके दिखाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे लग जाते हैं बिल्कुल उसी चीज को याद कर करके कि उसने ना मेरी बेइज्जती की थी। तो इस चीजों को हम लोग करने में लग जाते हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग उसको चैलेंज की तरीके से लेते हैं और फिर काम को करने में लग जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी पता है, जो इंसान आप लोगों को ये बातें बोल रहे हैं वो उस परसेप्शन के बेस पे बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकता, उसने किसी को ये काम करते हुए नहीं देखा, तो इसलिए उसको लगता है कि ये काम नहीं हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में आप लोग बोलो कि कुछ ऐसी चीजें जो आज तक नहीं हुई वो काम मैं करने जा रहा हूं, तो सब बोलेंगे कि वो ना पागल हो गया है। इवन ये भी बोलेंगे अपने बच्चों को कि यार उसके पास मत रहना, वो पागल हो गया, फालतू की बातें करता है। पर लेकिन जिस दिन आप लोग उसको अचीव कर लोगे, उस दिन सब लोग ये बोलेंगे कि हाँ यार ये मेरे मोहल्ले में रहता है, हाँ यार मेरा जानने वाला है, हाँ यार मेरा दोस्त है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऐसी चीजें आप लोगों ने पास्ट में भी देखी होंगी। अगर कोई आप लोगों से 20 साल या फिर 20 क्या 20 तो खैर बोल सकता है, अगर कोई 30 साल पहले आप लोगों को ये बोले कि अगर पृथ्वी के ऊपर तो नॉर्मली ट्रेन चलती है, क्या आप लोग जमीन के अंदर से आप लोग ट्रेन चला सकते हैं? जमीन के अंदर से पूरी ट्रेन, एक पाइप तो जा नहीं पाता है जिसमें हम लोग पानी एक तरीके से निकाल के लेकर आते हैं, तो यो जैसे तैसे दाबते हैं, अगर पूरी ट्रेन की ट्रेन निकाल देना जमीन के अंदर से, तो उस टाइम पर सब पागल बोलते कि हाँ यार ये ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल हो पाएगा। कोई बोले जब यहाँ पर हवाई जहाज नहीं आए थे कि हवा में एक जहाज उड़ता हुआ चलेगा, पक्षी तो देखे उड़ते हुए, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम उड़ता हुआ चलेगा, तो बोलते कि अच्छा बुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। तो वो सारी चीजें वो लोग उस बेस पर बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कभी उन्होंने ये चीजें देखी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई देखता नहीं है तो हमारे माइंड जो होता है ना वो बेसिकली ऐसा माइंड होता है, एक को बोलते हैं कॉन्शियस और दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है उसका नाम ही कॉन्शियस है, तो उसको हर टाइम अपने उदाहरण चाहिए, हर टाइम उसको ये होना चाहिए कि तर्क होने चाहिए उसके सामने कि हाँ ये चीज हो सकती है नहीं हो सकती है। तो जब उसको तर्क मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वो सारी चीजें, तो फिर उसको लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। अगर तर्क नहीं मिलता है तो उसको लगता है ये चीज हो ही नहीं सकती, आज तक कभी हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड का खेल है। अगर आप लोग अपने आप को किसी भी एक माहौल में डालकर किसी काम को करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना लग रहा हो, रिपीटेडली करते रहेंगे तो कुछ दिनों बाद आप लोगों को आसान लगने लगेगा। मैं एक छोटी सी अपनी कहानी बताता हूँ। देखिए, जब ये आज की डेट में जो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये लैपटॉप यूज करने में मुझे एक तो बेसिकली ऐसा लगता था कि यार जैसे नॉर्मल विंडो यूज करा था, तो मैक में ये लग रहा था कि यार बहुत सारे फंक्शन डिफरेंट है, कैसे यूज करूंगा समझ में नहीं आ रहा था, और एक तरीके से काफी इरिटेट भी हो रहा था मैं उस चीज को लेके, क्योंकि उसमें इतना हाथ बैठ चुका है मेरा कि मैं आंख बंद कर भी पीपीटी बना सकता हूं। आप लोगों को याद होगा मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो उस टाइम पर मैंने एक हाथ से भी पीपीटी बना डाली उसमें। अब मैक में जब काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो डिफरेंट है, आप कई सारी पिक्चर काटनी है, कुछ पेस्ट करना है, कहीं पर कुछ उठाकर टाइप करना है, तो वो कई सारे ऐसे फंक्शन है जिसमें डिफरेंट यूज होते हैं। वहां पर कंट्रोल आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को जो बेसिकली कंट्रोल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट, तो उसके ऑप्शन दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे राइट क्लिक करना है वो आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग में वो चीजें आप लोगों को टफ लगती है क्योंकि आप लोग एक ऐसे माहौल में जा रहे होते हैं जो आप लोगों ने यूज नहीं किया। अब इसको भी यूज करने लगा हूं मैं, ज्यादा तो हैबिचुअल नहीं हुआ पर आराम से इसको यूज कर रहा हूं, आराम से, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इरिटेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो हर एक काम आप लोगों को कोई भी टफ क्यों ना लग रहा हो उसको करना स्टार्ट कर दो और फिर जिंदगी में आप लोगों को चीजें अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी, ये जो आप लोगों को पीछे स्टोरी सुना, इसका बेसिक पर्पज क्या था, इसका बेसिक पर्पज ये था कि कुछ भी करना हो जिंदगी में तो डरना नहीं है, थोड़े टाइम दीजिए अपने आप को भी, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उसको एक्सेप्ट करने में, फिर चीजें आप लोगों को आसान लगने लगती है, ठीक है। तो यहां पर ये एक छोटी सी न्यूज है और ये काफी एक बेहतरीन न्यूज भी आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। बोला ये गया है 110 साल की ये पर्सन है यहां पर, और ये COVID-19 को हराकर वापस आए हैं, ठीक है। इनका नाम है यहां पर रामानंद तीर्थ, ठीक है। तो ये समझिए कि ये तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं, क्योंकि नॉर्मली इस एज में अगर किसी को COVID-19 की बीमारी हो जा रही है वो रिकवर नहीं करता, तो यहां पर इनके द्वारा एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 110 साल का पर्सन COVID-19 की बीमारी को जूझ कर वापस आ रहा है, तो उसी के चलते इनको COVID-19 चैंपियन के नाम से भी इनको बोला जा रहा है। तो कहाँ के रहने वाले हैं ये? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना के रहने वाले हैं, और यहाँ पर ये नॉर्मली एक आश्रम टाइप में नहीं रहते जिस तरीके से आश्रम होते हैं, तो वहां पर ये रहते हैं।
तो यहां पर देखिए, अगर इंसान ना अपनी दर्द शक्ति के साथ में चले तो आप लोग सोचिए कि 110 साल, ठीक है, आप लोग जरा सी एज होती है, जरा सा कुछ दर्द होती है, लगने लगता है कि यार पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, ठीक है, अपने आप को ये लगाने लगते हैं कि हाँ यार बहुत उम्र हो गई है, ठीक है। हमारी कंट्री में ना 30-40-50 साल के लोग होते हैं, लगने लगता है कि बहुत उम्र हो गई है, ठीक है। पर लेकिन अगर आप लोग देखिए जो हमारे एथलीट होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी अपने आप को उस तरीके से नहीं देखते हैं। अरे 80 साल के भी हो जाए ना तभी बोलो अपने आपको कि अभी तो मैं जवान हूं, तो ये वाली जिंदगी इस तरीके से जियो तो फिर मजा भी आएगा, वरना जरा सी उम्र हुई कि नहीं यार मेरा तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। ये सारी चीजें ना इंसान का माइंडसेट है, जैसा क्रिएट कर लोगे ऐसी चीजें आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनसे अगर थोड़ा दूर रहना सीख गए तो फिर काफी कुछ आप लोग अपने आप को समझा भी पाओगे और अच्छी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर है, आप लोगों को पता है कि संडे का ये लेक्चर होता है बेसिकली, जो कि आप लोगों का मॉर्निंग में लेक्चर आता था वही मैंने यहाँ पर ये इवनिंग में डालना स्टार्ट कर दिया। डेली आप लोगों को 10 बजे मिलता है, तो संडे का लेक्चर थोड़ा सा लाइट रखते हैं ताकि आप लोगों को रिविजन भी करना, तो चीजें रिवाइज भी कर लीजिएगा। पर लेकिन जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हमारी कंट्री में आज की डेट में भी अगर आप लोग एक एस्टिमेशन लगाकर देखेंगे 50-60% जो पॉपुलेशन है ना वो खेती के ऊपर यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर वो एक काफी बड़ी न्यूज बन जाती है, और ऐसी ही एक दिक्कत अभी देखने को मिल रही है। आप लोगों ने इंसानों में तो डिस्कस कर ही लिया कि व्हाइट फंगस हो गया, ये ब्लैक फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, इसी तरीके से आप लोगों को ये खेतों के अंदर जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां होती हैं उनके ऊपर भी आप लोगों को यहां पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऐसी एक बीमारी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये बेसिकली व्हाइट फ्लाइज है, यानी कि आप लोग यहां पर पिक्चर में भी दिख रही होगी, ये इस तरीके के व्हाइट व्हाइट ये कीट पतंगे हैं, और ये जो कीट पतंगे हैं ये बहुत लार्ज स्केल पर जो खेत है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी। तो समझेंगे इसको, ये किस किस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एग्रीकल्चर नॉर्मल खेती को तो पहुंचा रहे हैं, फूल पत्तियां सब्जियों वाली जो खेती होती है उसको पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट्री यानी कि जहां पेड़ पौधे नॉर्मल होते हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यानी कि किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो बाकी की ये न्यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग समझिए कि आखिर ये प्राणी है क्या, इस प्राणी की औकात समझाता हूं पहले मैं आप लोगों को, फिर आप लोग समझेंगे कि आखिर ये इतना न्यूज में कैसे आ गया। सबसे पहले यहां पर जो इसको बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है व्हाइट फ्लाइज, ठीक है। तो ये व्हाइट रंग के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये जो व्हाइट रंग के देखने को मिलते हैं इनके जो अंडे होते हैं वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप लोगों को नॉर्मली आंखों से मुश्किल से दिखाई देंगे। तो यहां पर इसके बारे में जब स्टडी की गई तो इसका पैटर्न अगर आप लोग देखिए, इनकी जिंदगी जो है ना, जिस तरीके से कई सारे लोग जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, कोविड-19 तो खैर सबको घर में डाल ही दिया है, पर लेकिन इनकी नॉर्मल जिंदगी जो है पत्ते से स्टार्ट होती है और पत्ते पर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं वहीं पे तो पैदा हुए, पत्ते पर पैदा हुए तो ये अंडे पत्ते पर ही चिपक गए, ठीक है। पत्ते के अंदर से ही फिर इनका जीवन आगे चलना स्टार्ट हुआ, फिर ये और ज्यादा बढ़े यहां पर, और फिर इनसे ये कीट पतंगे बन गए। जब यहां जाकर इनकी लाइफ निकली तब जाकर ये थोड़ा सा इधर उधर उड़ना स्टार्ट हुए, और पर लेकिन कंडीशन ये बनेगी कि यहीं पर ही चिपक कर रह गए। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पत्ते को ही इन्होंने अपना घर बना लिया, और ऐसा भी नहीं है कि यहां पर ये पहली बार कोई ऐसी आप लोगों को बीमारी देखने को मिल रही है। ये जो नॉर्मल बीमारी है जो व्हाइट फ्लाई में बोल रहा हूं, ये 2016 में हमारी कंट्री में देखने को मिली, केरला के अंदर में, ठीक है। तो इससे आप लोगों को दूसरी बीमारी कई सारी देखने को मिलेगी अलग अलग एरिया में। तो ये कई सारी बीमारी के नाम मैंने आप लोगों को यहां पर बता रखे हैं, जैसे कॉटन मिल बग हो गए यहां पर ये, ठीक है, कॉटन मिल बग, इसी के साथ में कई सारी और आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जैसे कॉफी बेरी बोरर हो गया। तो ये बेसिकली वो वाली बीमारी रहती है जो खेती को नुकसान पहुंचाती है, डबल की यहां पर करके यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रही है। हरियाणा के अंदर निकलकर सामने आई, ये कर्नाटक के अंदर यहां पर देखने को मिला, जिसको बोला गया फॉल आर्मी वॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में अलग अलग खेतों को नुकसान पहुंचाने वाली, यहां पर ये अलग अलग राज्य में ये सारी बीमारी देखने को मिलती है जो कि अलग अलग टाइम पर नजर आई। अभी यहां पर जो ये आप लोगों को फिर से देखने को मिल रही है ये व्हाइट फ्लाई 2016 में ये केरला में भी सबसे पहले देखने को मिली थी, और नॉर्मली इसको जहां पर आप लोगों को ये नजर आएगी वो कैसा माहौल होगा आप लोग समझ सकते हैं। ये जो जहां पर येलो येलो ये पॉइंट लगे हुए हैं, ऑरेंज टाइप में बोल सकते हैं इनको, तो ये यहां पर जैसे कि ये हो गया एरिया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन, ये आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा इक्वेटर कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो वाला एरिया है जहां पर जैसे कि इक्वेटर ये चला गया, ठीक है, तो ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो एरिया है जहां पर गर्मी अच्छी खासी होती है, तो ये नॉर्मली उन्हीं एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वही बात यहां पर बोली गई है कि ये जो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी जहां थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर रहेगा वहां पर आप लोगों को ये नजर आएंगी। अगर इनके बारे में कुछ मैं इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को बताऊं, इंटरेस्टिंग क्या बोलूं, बस आप लोग देखकर ही समझ जाएंगे। इंटरेस्टिंग क्या, ये खतरनाक बोल सकते हैं एक तरीके से,
पत्ते के ऊपर आ गई, पत्ते के ऊपर बैठ गई, ये अंडे इतने सारे देखने को मिलते हैं कि एक ही जो जीव जंतु है इसमें इतने सारे अंडे देता है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये कहानी देखने को मिलती है, मान लेते हैं कि एक फीमेल जो है वो 100 के करीब अंडे आप लोगों को देखने को मिलेगा दे देती है। तो 100 के करीब अंडों में से जब यहां पर बच्चे निकलने स्टार्ट होंगे और फिर उनकी जिंदगी वहां पर चलनी स्टार्ट होगी, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गांव आकर बस गया एक ही परिवार का। तो ये इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर जैसे आप लोग इसको समझिए, जैसे यहां पर ये एडल्ट हैं, ये दो एडल्ट मिले तो फिर यहां पर इनके एग हो गए और इस एग में से निकलना स्टार्ट हुए, तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल जो है ये पत्ते के ऊपर आप लोगों को घूमती नजर आएगी। तो ये जो लाइफ साइकिल इनकी घूमती है उसके चलते यहां पर ये काफी ह्यूज नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसके चलते यहां पर जो पत्ता है वो खराब हो जाएगा। अब पत्ते के खराब होने से क्या होगा उसको समझने की कोशिश आप लोग कीजिए। नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए ये किसी पर्टिकुलर पत्ते के ऊपर आकर बैठ गई, तो पत्ते के ऊपर बैठेगी तो यहां पर इनके जो हनी ड्यू टाइप में कुछ ड्रॉप टाइप में यहां पर ये चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर पूरा इनका डेवलपमेंट पूरी जिंदगी इसी पर चलती है पत्ते के ऊपर। तो इससे पत्ते के अंदर जो खाना बनाने की क्षमता होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस की वजह से, जिसमें रोशनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी वजह से पत्ते की फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रक्रिया होती है वो ये ढंग से नहीं कर पाता है। तो फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं करेगा तो कोई भी किसी भी तरह की खेती क्यों ना हो यार वो ढंग से आगे नहीं चल पाएगी, कोई भी खेती के बारे में अगर आप लोग बात कर लीजिए। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं हो रहा है तो वो खेती बर्बाद होगी। अब चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो फूल पत्तियां हो, चाहे वो फल फ्रूट वाली बात हो, चाहे किसी के भी बारे में आप लोग क्यों ना काम कर लें। अब जब यहां पर ये इतना लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालेगी तो फिर क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, डायरेक्ट इसका इकोनॉमी के ऊपर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से ह्यूज इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर काउंट किया जाता है। यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं 2015-16 के करीब यहां पर जब व्हाइट फ्लाइज आई उनके इंसिडेंट देखने को मिले अगस्त के अंदर में। यहां पर कॉटन की खेती यानी कि जो कपास की खेती होती है तो हरियाणा पंजाब और राजस्थान में काफी लार्ज स्केल पर इसका इंपैक्ट पड़ा। इन 2015-16 में यहां पर बोला जा रहा है 4.50 लाख हेक्टेयर जो यहां पर कॉटन की क्रॉप थी उसके ऊपर इंपैक्ट डाला गया इनके द्वारा। 43.11 के करीब यहां पर ये वन ईयर में इनके द्वारा चीजों को चट कर दिया गया। तो इसके चलते काफी लार्ज स्केल पर यहां पर ये जो प्रॉब्लम देखने को मिली, नॉर्मली 40-50% के करीब जो टोटल पहले होता था उसका भी काफी ज्यादा कम यहां पर आप लोगों को ये चीजें नजर आई। यानी कि नॉर्मली जो कपास होते हैं ना उनको आप लोगों ने देखा होगा बैल्स में उनको नापते हैं, ठीक है, ए बैल्स की कम से कम यहां पर 170 केजी का देखने को मिलता है। तो इसमें से 40-50% जो है टोटल वहां पर लॉस देखने को मिला। सोचिए 100 अगर यहां पर कोई प्रॉपर आप लोग प्रोडक्ट देखें उसमें से 40-50% यानी कि इन्होंने खत्म कर दिए। तो इसका मतलब किसानों को देखें, अगर कोई किसान है वो वहां से कमा रहा है 10,000 रुपए तो ये समझिए उस इंसान की 5,000 रुपए कमाई रह गई है इनकी वजह से। तो ये इससे आप लोग लॉस लगा सकते हैं। तो मैं एक किसान की बातें बता रहा हूं आप लोगों, पूरे इंडिया के अंदर कितना लॉस इसकी वजह से देखने को मिलेगा। इसको यहां पर कवर भी किया गया था जीएम कॉटन व्हाइट फ्लाई अटैक, यानी कि एक तरीके से यहां पर फार्मरों के अंदर यहां पर काफी ज्यादा एंजाइटी देखने को मिली थी। तो ये 2015 का द हिंदू का ही आर्टिकल है, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से इंपैक्ट डाला गया। किसानों के अंदर एंजाइटी आ गई, उनको दुख लगने लगा कि यार पता नहीं क्या होगा। तो हरियाणा पंजाब के किसान जो थे वो सदमे में आने लगे इसको लेकर कि यार अब तो खेती गई काम से। तो यहां तक भी इन्होंने किसानों को अपने चपेट में लिया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक यहां पर ये बीमारी है, किस तरीके से यहां पर ये इंपैक्ट डाल रही है। अब इसके ऊपर आते हैं, यहां पर देखिए यहां पर बोला यह गया कि व्हाइट फ्लाई जो है ये टाइनी जो बेसिकली सक करने वाले जो एक सैप सकिंग जो इंसेक्ट है यहां पर एक तरीके से जो भी यहां पर रस होता है उसके अंदर का चूस लेते हैं और उसको बिल्कुल चाहे वो वेजिटेबल हो या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट हो, ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे घरों में नहीं लगाते हैं सजावटी पेड़ पौधे आप लोग लगा देते हैं उसको, और ये नॉर्मली वार्म वेदर जैसे बोला ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर ये पत्ती की कहानी खत्म कर देते हैं। और यहां पर जो इनकी फैमिली है ये फर्स्ट रिपोर्ट किया गया इन्वेसिव जो स्पाइरल व्हाइट फ्लाई जो है यहां पर स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई इसको बोला गया एलोरोडिस्क डिस्पर्स, ठीक है। तो ये इसका नाम आप लोगों को देखने को मिला, ये पूरे देश में आप लोगों को नजर आ जाएगा। गन्ने का अगर आप लोगों ने खेती की होगी तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा गन्ने की जो खेती होती है ना उसकी जो पत्तियां होती है उसको भी काफी हद तक ये बर्बाद करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है इसमें इंडिया के अंदर में, यहां पर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में देखने को मिलेगी। अब आप लोगों को यहां पर एक स्टेटमेंट दे दी कि व्हाइट फ्लाई जो है पूरे देश में देखने को मिलती है, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, या फिर बोल दे कि एक्सेप्ट लाइना की पूरे देश में देखने को मिलेगी। एक देखिए स्टेटमेंट देखिए आप लोगों से यूपीएससी कैसे खेलता है, मैं अभी एक स्टेटमेंट बनाता हूं। ये जो यहां पर ये व्हाइट फ्लाइज होती हैं ये नॉर्मली वार्म वेदर में देखने को मिलती हैं, यानी कि जब थोड़ा गर्म टेम्परेचर होता है वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये वार्म फ्लाई जो यहां पर व्हाइट फ्लाई होती हैं ये हमारी कंट्री में पूरे देश में देखने को मिलती हैं।
तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। अगर आप लोग बात करिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो गया, काफी ह्यूज बर्फबारी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है और बोला क्या गया यहां पर कि वार्म वेदर में देखने को मिलती है, तो हो गई ना कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट। तो अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर आप लोग चलेंगे एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर भी नहीं दे पाएंगे, तो फिर बोलोगे सर क्वेश्चन पता नहीं कैसा आ गया। भाई साहब क्वेश्चन तो आसान था, बस आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग को टेंशन में डाल दिया उस टाइम पर और स्टेटमेंट को नहीं संभल पाए। अगर अपना दिमाग शांत रखेंगे तो चीजें आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे। यहां पर अगर कंट्रोल के बारे में बात करें तो व्हाइट फ्लाई जो है यहां पर कंट्रोल करना इनको डिफिकल्ट है, काफी लार्ज स्केल पर ये फैलती है नॉर्मली, और ज्यादा इनके ऊपर बेसिकली केमिकल वगैरह ज्यादा यूज भी नहीं किया जाता। तो काम क्या किया जाता है उसके बारे में भी समझेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी यहां पर अगर बात करें आप लोग यहां पर रूगोस जो स्पेलिंग व्हाइट फ्लाई जो है जिनको यहां पर एलोरोडिकिस ये एग्यो पेरिक्यूटिस का नाम दिया गया, यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये बेसिकली इनके साइंटिफिक दूसरे नाम आप लोग बोल सकते हैं। तमिलनाडु में 2016 में इसको रिपोर्ट किया गया, आज की डेट में पूरी कंट्री में इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार वाली एरिया में फैल चुकी है। कहां से निकल कर आई यहां पर ये, तो ये कैरेबियन वाला एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, कैरेबियन वाला एरिया अगर आप लोग यहां पर देखिए तो एक मिनट ये कैरेबियन सी आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली कैरेबियन सी, तो यहां से ये इसकी जन्म जाती यहां पर, ये बेसिकली इसकी जन्म भूमि आप लोग बोल सकते हैं जहां से ये निकल कर आई। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो अगर एबिलिटी की इनके बारे में बात करें तो ये आप लोगों को हर एक फूड को ये नुकसान पहुंचाती हुई नजर आती है, काफी लार्ज स्केल पर प्लोरीफिक होती है, इनके बढ़ती है। ये एक तरीके से आप लोगों को रीजन देखने को मिलेगा नॉर्मली किस तरीके से कि हम लोग काफी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो किसी देश से कुछ खरीद कर लेकर आए, उस तरीके से चीजें ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आप लोग कोरोना वायरस को इतना लार्ज स्केल पर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया इसका रीजन क्या था? आज की डेट में हम लोग इतने लार्ज स्केल पर कनेक्ट है, दुनिया भर का सामान चाइना से आ रहा है, चाइना से यूएसए भी जा रहा है, यूएसए से इंडिया आ रहा है, इंडिया से भूटान, भूटान से नेपाल, नेपाल से म्यांमार, म्यांमार से श्रीलंका, सब जगह चीजें घूम रही है। तो यानी ये कहने का मतलब यह है कि अगर वर्ल्ड में कहीं पर कोई थोड़ी दिक्कत आ जाती है तो जरा सी देर में उसको बैठे बैठे आप लोगों को गांव के किसी कोने में बैठे इंटरनेट आप लोगों के पास में तो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इसीलिए यहां पर ये डिजीज भी आज के डेट में ग्लोबलाइज हो गई, बीमारी भी ग्लोबलाइज हो गई, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कंसर्न क्या है, डैमेज कर रही है क्रॉप्स को और इनइफेक्टिवनेस इंसेक्टिसाइड्स आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, तो काफी कुछ प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की बात की जाती है यहां पर। मुझे जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो एक उदाहरण मुझे याद आया काफी इंटरेस्टिंग। देखिए जिस तरीके से आप लोग आज के में अफगानिस्तान के बारे में बात करें, अफगानिस्तान में से यूएसए क्या कर रहा है, वो तालिबान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा था, अब तो उसने घुटने टेक दिए। ये वही तालिबान है एक टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर को भगाने के लिए अब यूएसए ने ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया था, यानी कि सांप को दूध पिलाया था। अब वही सांप बढ़कर इतना ताकतवर हो गया है कि वो उसी को डस रहा है जिसने उसको दूध पिलाकर बड़ा किया था। अभी यहां पर ये व्हाइट फ्लाई है, इनको मारने के लिए यहां पर प्रीडिएटर की बात की जा रही है, कुछ ऐसे पैरासाइट जो देखने को मिले जो नेचुरली ऑकर होते हैं और वो इसको खाएंगे, यानी कि ये उनका खाना बनेंगे। तो इस तरीके की बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन पता चला ये बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट है कल को इस लार्ज स्केल पर पहुंच गए कि खुद ही खेतों को खाने लगे, तो वो भी चीजें देखने को मिल सकती है। एक फंगी के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला जा रहा है यहां पर एटोमोपैथोजेनिक। ठीक है, तो एटोमोपैथोजेनिक जो फंगी है यहां पर, ये तो इसके भी बोला जा रहा है कि यहां पर भी इस तरीके की चीजों को किल करता है, पर लेकिन कंट्रोल उसको भी करना पड़ेगा। पता चला कल को अब तो ये इसको खा रहे हैं, कल को पता चला खेतों को ही खाने लगे, तो वो चीजें भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में, ये वाली न्यूज भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर के ऊपर आज कुछ ज्यादा मेहरबान है यहां पर न्यूज एनालिसिस हमारा। यहां पर बात की जा रही है इंडिया और इसराइल के बारे में, ये वही इसराइल है जिसके पैलेस्टीन के पंगे आप लोग अभी सुन रहे थे। यहां पर जो बेसिकली बात की जा रही है 3 ईयर वर्क प्रोग्राम है एग्रीमेंट इंडिया और एग्रीकल्चर का, कि कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को कोऑपरेट करके चल सकते हैं और कैसे एग्रीकल्चर को इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है अगर आप लोगों को मैं बताऊं, यहां पर इसराइल जो है काफी लार्ज स्केल पर एक रेगिस्तान वाली जमीन है, इसराइल के अंदर काफी लार्ज स्केल पर रेतीली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि कम पानी का भी यूज करके कैसे अच्छी खेती हम लोग बना सकते हैं। ये चीजें हम लोग इजराइल से सीख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी आप लोगों को देखने को मिलेगी, अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप लोग उससे क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। तो बात की जा रही है यहां पर अभी किस चीज के बारे में, तो एम है कि ग्रो करें यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है, आप लोग बोलो कि मेरे से अगर कोई करंट अफेयर पूछ ले, करंट अफेयर में एकदम एक्सीलेंट हूं, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि करंट अफेयर आप लोगों को पूरा आता है, पूरा कंट्रोल में है, पॉलिटी में पूरी एक्सीलेंस ही है। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन तो पूछ के दिखाए, भला मेरे हाथों से बच पाए क्वेश्चन, तो इसका मतलब आप लोगों के हाथ में एक्सीलेंसी है। तो एक्सपर्टीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जब एक्सीलेंसी के बारे में बात करते हैं, उस एरिया के महारथी आप लोग बोल सकते हैं उस चीज को, तो इसका मतलब है कि पूरा ज्ञान है।
तो इसके चलते नए सेंटर स्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी के चलते जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की वैल्यू चेन, ताकि और लार्ज स्केल पर पढ़ाए जाए। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग किसी और को जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर आप लोग मेरा ही लेक्चर किसी को फॉरवर्ड कर दो, या फिर आप लोग क्या करो, आप लोग ऐसे नहीं कि एक तरीके से सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली, एक तरीके से कई सारे बच्चे आकर बैठ जाए और लेक्चर को बैठकर एक साथ में देखना स्टार्ट कर दें। तो कहने का मतलब यह कि एक तरीके से आप लोग एक तरीके से चीजों को अपने तक न रखकर चीजों को आगे पहुंचाने वाली बात, तो चैन के थ्रू काम चलती है। एक पर्टिकुलर पर्सन तो चीजों को नहीं कर पाता, पर लेकिन हाँ जब उसके साथ में लोग और कनेक्ट होते चले जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने अकेले ने थोड़ा सत्याग्रह आंदोलन चला दिया, सब लोग उनसे फेवर में आए, सब लोगों ने मिलकर काम किया तो चीजें बढ़ गई आगे। तो इस तरीके से मिलकर काम करना पड़ता है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है यहां पर ये सेल्फ सफिशिएंट मोड में काम करता है, एक तरीके से एनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को, कंपनीज को कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ में और चीजों को आगे लेकर चलें। देखा ना कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी आकर कोलैबोरेट करेंगे, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पर प्राइवेट वालों को भी आकर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीजें जो है, वो नहीं कहते हर घर जल हर घर बिजली, वही सारी चीजें, वो वाली योजना। तो यहाँ पर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक तो इसके बारे में बात की जा रही है, और इंडो इजराइल जो यहाँ पर विलेज ऑफ एक्सीलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि दो प्रोजेक्ट के ऊपर काफी अच्छे से काम करने वाले हैं, एक तो एग्रीकल्चर के बारे में और एक विलेज के बारे में, तो दोनों के ऊपर चीजें जो है इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो क्या क्या चीजें अभी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, तो देखिए अगर एग्रीकल्चर के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आप लोगों को मिलता है ना कि हाँ यार एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखना है, तो वहां पर भी कुछ नई टेक्नोलॉजी हम लोगों को लेकर आनी है, तो उसके बारे में आप लोग कई सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है, पहले तो आप लोग ये समझिएगा, अगर आप लोगों से बात करूं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में अगर बात की जाए, तो इसके बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा समझिए। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात जो रहती है यहां पर, एक तरीके से जो एक कमिटमेंट रहता है इनोवेशन के फॉर्म में, यहां पर चीजें आगे चलती हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें होती हैं, ये नहीं कि बस कुछ भी काम किया जा रहा है, प्रॉपर वे में रहेगा, हाँ भैया ये काम इस तरीके से चलेगा, पहले बेसिक ये चीजें होगी, ए फिर बी में पहुंचेंगे फिर सी में पहुंचेंगे, तो ऐसे काम चलेगा, ऐसा नहीं है पहले सी को पकड़कर बैठ गए फिर ए पर आ रहे हैं, नहीं, एक प्रॉपर वे में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एलिमिनेट किया जाएगा रिस्क, समझा जाएगा क्या सही है क्या गलत है, उसी के हिसाब से एवरीडे बिजनेस को आगे चलेंगे और प्रेशर को कैसे टैकल करना है वो समझेंगे। प्रोवाइड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई ऐसे इनोवेट कर रहा है फास्ट या फिर फेल फास्ट, यानी कि एक तरीके से किसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन निकालना है, हेल्प करना है एक तरीके से मॉनिटर करने में, कॉस्ट इजिली कैसे टैकल करनी है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगी चीजें हो जाए उसमें भी आप लोगों को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह कि अच्छी चीज क्या होती है, टिकाऊ चीज क्या होती है, आप लोग ये बोलेंगे कि यार एक तो सस्ती होनी चाहिए और एक लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए, यानी कि चाइनीज माल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाइनीज माल क्या होता है, सस्ता तो रहता है पर लेकिन टिकता नहीं है, तो टिकाऊ भी चीज होनी चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, और भला कि थोड़ा एक दो रुपए महंगाई ले ले पर लेकिन लंबा चल जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पैसा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो प्रॉपर एक वेल डिफाइंड विजन उनका होना चाहिए, इंडिपेंडेंट और एक होलिस्टिक टीम उनके पास में होनी चाहिए जो काम करने वाले हैं, इसी के साथ में यहां पर गवर्नेंस और ऑपरेटिंग मॉडल उनके पास में होना चाहिए, मीनिंगफुल पार्टनरशिप होना चाहिए जो कि ढंग से इस काम को कर सके, बजट उनके पास में होना चाहिए, पता चला स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, आगे काम चलानी वहीं पर रुककर बैठ गए, तो बजट भी होना चाहिए किसी बेसिक चीजों को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप भी आज के में कोई छोटा सा भी काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो बेसिक बजट तो होना चाहिए, इसी के साथ में कल को कोई दिक्कत आने लगे तो बैकग्राउंड में भी होना चाहिए सपोर्ट कि हाँ भैया यहां से भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। यहां पर फोकस ऑन टैलेंट, टैलेंट के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, और इसी के साथ में कॉम्पिटिशन डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी, एक सेकंड, ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में यहां पर इंस्टॉल करना है राइट लीडरशिप, कौन है यहां पर, ठीक है, सही लीडर होना चाहिए। गेन करना है जो इनसाइट्स होती है कस्टमर को, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, फीडबैक सिस्टम जिसे बोलते हैं ना, लेक्चर देखने के बाद में 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देना पसंद करेंगे, तो वो एक तरीका फीडबैक सिस्टम होता है कि हाँ मुझे पता चलता रहे कहां पर क्या क्या कमियां खामियां है, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। इंश्योर करना है एक्सेस, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से ऐसा होना है ढांचागत, ऐसा नहीं कि बस यहां पर एक जगह बैठे वहीं काम चल रहा है, आगे भी लेकर उसको चल सकते हो। डिफाइन करना है डेमोंस्ट्रेबल, एक तरीके सक्सेस क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ प्रॉपर लोगों को भी अंडरस्टैंड आए और तुम भी उसको समझोगे कैसे चीजें आगे लेकर चली जा रही है, तो तब जाकर चीजें जो है उसको आप लोग एक सही ढांचागत विकास में आप लोग उसको डाल पाओगे, ठीक है। तो उसको चलकर लेकर चलने की बात की जा रही है। अगर एक मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं 2020 इंडिया और इजराइल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 60,000 के करीब जो फार्मर हैं, इनके 60,000 किसान इनके द्वारा ट्रेन कर दिए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा 17 इजराइली वेराइटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में, जो कि काफी बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल वाले फील्ड में या फिर दूसरे टोमेटो वगैरह या फिर और भी कई सारी चीजें, ठीक है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आप लोगों को
देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। प्रॉपर कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें प्रॉपर वे में। तो इसराइल से हम लोग यही सीख पा रहे हैं, सबसे जो बड़ी बात यहाँ पर मुझे देखने को मिली वो ये है कि इसराइल के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कम पानी होने के बाद भी एक अच्छी खेती कर सकते हो, तो ये इसराइल सिखा सकता है। इसराइल और इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2008 में स्टार्ट हुआ था, फंड किया गया इसको लगभग 50 मिलियन के करीब। फोकस कहां पर है, डेयरी फार्मिंग टेक्नोलॉजी और माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में कई तरीके से ड्रिप इरिगेशन हो गया, वर्टिकल फार्मिंग, सोयल जो यहां पर सोलराइजेशन, तो कई सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जा रही है इसराइल के द्वारा। हम भी अपनी कंट्री में उनको यूज कर सकते हैं, अपने किसानों को हम भी वो चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारे किसानों को भी फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। मार्च 2014 में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑपरेट कर रहे थे थ्रू आउट द इंडिया। फ्री ट्रेनिंग सेशन दिए जा रहे थे किसानों को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। तो इसराइली टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट थे वो यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे थे ताकि चीजों को आगे सही तरीके से लेके चला जा सके, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी के चलते इंडो इसराइल जो विलेज ऑफ एक्सीलेंस, जिसके बारे में मैंने बात की थी ना, एक एग्रीकल्चर के बारे में बात करते प्रोग्राम के, दूसरा विलेज के बारे में। तो दूसरा जो विलेज वाला मॉडल था वो क्रिएट कर रहा था कि एक ऐसा इकोसिस्टम यानी कि एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा था ताकि यहां पर जो एग्रीकल्चर है आसपास वाले 8 स्टेट में उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। जैसे कैसे इनकम को यहां पर बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है, इनके पैसा भी मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि इंसान जो है पूरे दिन सर माथा पच्ची कर रहा है और बाद में उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप लोग ऐसी जगह जाकर जॉब करना पसंद करोगे जहां पर कोई पैसा नहीं दे रहा है बिल्कुल भी? यार घर तो सबको चलाना है ना, एक ऐसी जिंदगी सबको जीने की सिक्योर लाइफ रहे, ऐसा ना रहे कुछ भी जरा सी दिक्कत आ रही है, घर में कोई बीमार हो गया और पता चला उस पर 2-4 लाख रुपए लगे तो घर की कहानी खराब होगी, सड़क पे आ गया पूरा घर। तो एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब की COVID-19 आप लोगों ने देखा कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, तो बेटर लाइवलीहुड और इंडिविजुअल फार्मर को कैसे आगे लेकर चल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मिंग अगर बात करिए ट्रेडिशनल जो फार्म होते हैं उनको मॉडर्न जो एक तरीके से इंटेंसिव फार्म में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए हमारे पास में जमीन का एक टुकड़ा है, ये टुकड़ा हमारे पास में फिक्स है, इसको हम लोग बढ़ा तो सकते नहीं है कि इतना जमीन का टुकड़ा है। अब इसी में है कैसे हम लोग ज्यादा खेती कर सकते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडो और इजराइली एग्रीकल्चर एक्शन प्लान को स्टैंडर्ड प्लान की तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। एग्रीकल्चर ये बेसिकली जो विलेज वाला एक्सीलेंस वाला मॉडल है यहाँ पर, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के, और मार्केट भी लिंक होना चाहिए। प्रोडक्ट तो बना लिया आप लोगों ने पूरा अच्छे अच्छे वाला धासू वाला, पर मार्केट में कैसे पहुंचाओगे वो भी होना चाहिए ना, कि मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। तो ये इसराइल काफी कुछ हम लोगों को सिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसराइल है यहाँ पर, ये आप लोगों को पहले सीन देखने को मिलेगा गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में, और यहाँ पर ये डेड सी हो गया जो कि यहाँ पर पैलेस्तीन इसराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलता है। गोलन हाइट ये वो एरिया है जो यहाँ पर इसराइल के द्वारा हथिया लिया गया, पहले सीरिया के पास में था यहाँ पर ये, तो ये भी काफी न्यूज में रहता है। तल अवीव यहाँ पर हमारी कंट्री की एम्बेसी है, और मेडिटेरेनियन सी में ये आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बात करूं यहाँ पर इसकी कैपिटल के बारे में, तो जेरूसलम आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन इसका यह, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इनको बोल दिया कि जेरूसलम कैपिटल बना लो, ठीक है। इजरायली जो सेकल है यहाँ पर इसकी करेंसी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर ये है, देखिए आप लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू का नाम तो सुना ही होगा जो कि हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं, ठीक है, पर लेकिन प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो प्रेसिडेंट है यहाँ पर रियुवेन जो रिविन, ठीक है। तो ये इनके प्रेसिडेंट है यहाँ पर RR के नाम से, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी इंडिया और इसराइल के रिलेशन के बारे में। कोई कंफ्यूजन नुक्का, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। आइए अब चलते हैं अगले जो न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली जो बात कर रहे हैं ये एक ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कैसे कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में पहुंचानी है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं हमारी कंट्री में जो आज के में जो रीजनल ग्रिड है वो कौन कौन से हैं, कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा हमारी कंट्री में नॉर्थ इंडिया में बिजली गायब हो गई थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में, इवन हमारी जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट हाउस वहां पर भी बिजली नहीं आ रही थी, भूटान से हम लोगों को बिजली मांगनी पड़ी थी। अब इस तरह की कंडीशन से निपटने के लिए हमारी कंट्री में एक तरह का ग्रिड सिस्टम बना दिया गया कि एक ग्रिड अगर फेल हो जाए तो दूसरे ग्रिड से हेल्प ले ली जाए। तो एक तो हो गया नॉर्दर्न ग्रिड, दूसरा हो गया यहाँ पर वेस्टर्न ग्रिड, तीसरा हो गया यहाँ पर ईस्टर्न ग्रिड, और चौथा हो गया यहाँ पर, ये हो गया बेसिकली जो सदर्न ग्रिड, ठीक है। और एक यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड देखने को मिलेगा। तो टोटल मिलाकर 5 ग्रिड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो अलग अलग रीजन में यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो ग्रिड की कनेक्टिविटी रहती है, देखिए क्या होता है बेसिकली यहाँ पर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां से बिजली होती है, ये बिजली जो नेशनल ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाती है एक सब स्टेशन में, और फिर सब स्टेशन से यहाँ से क्या होती है घरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो एक पैटर्न फॉलो किया जाता है नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड के द्वारा। तो ये जो ग्रिड होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर इस ग्रिड में गड़बड़ होगी तो ऐसा ही कोई दूसरा ग्रिड होगा तो उससे हेल्प ली जाएगी ताकि इस बिजली को दूसरा तक पहुंचाया जा सके। तो एक बेसिक ऐसा बेसिक पैटर्न बनाने की बात की जाती है।
अभी हमारी कंट्री में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर श्रीनगर द्रास कारगिल, जो श्रीनगर द्रास कारगिल ये है यहां पर खलस्ती जो लेह बेसिकली ये ट्रांसमिशन सिस्टम है यहां पर ये, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर अभी रिसेंटली क्या किया गया, यहां पर ये हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यहां पर इसको चीजें सौंपी गई है। तो ये हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम लाया गया था ताकि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा फरवरी 2019 में स्टार्ट किया गया था ये, और यहां पर ताकि लद्दाख वाले रीजन में अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया जा सके। तो एम यही था कि ताकि पावर सप्लाई मिलती रहे ढंग से और सरप्लस जो भी पावर यहां से रहे फिर उसको आगे चलकर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो इसका ये बेसिक पर्पज यहां पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो पावर ग्रिड जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री में, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, 1989 में इसको बनाया गया था, स्टेट ओन ये एंटरप्राइज है हमारी कंट्री में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो ये तो बेसिक चीजें होगी, किसके अंडर में आती है, तो नॉर्मल सी बात है पावर की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर यहां पर आती है। तो नेशनल ग्रिड का बेसिकली पर्पज क्या रहता है कि हमारी कंट्री में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पावर ट्रांसमिशन किया जा सके, मेन इंडिया को कनेक्टिविटी स्टेशन बनाए जा सके, कलो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं पर भी हो पर लेकिन सब जगह उसको यूज किया जा सके आसानी से। ठीक है, इसी के साथ में स्टेट ओन पावर ग्रिड जो है वो यहां पर काम कर रहा था, ऑपरेशनल सिंक्रोनस वे में कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में काम चल रहा है। ठीक है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है ये हमारी कंट्री में, तो कैसे ग्रिड की कनेक्टिविटी बढ़ा के आगे चल रहे हैं, तो ग्रिड सब जगह कनेक्ट किया जा सकता है। अगर आप लोग मैप देखिएगा अपनी कंट्री का तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे कि हम लोग पूरी कंट्री में ग्रिड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं, छोड़कर का ये यहां पर आइलैंड वाला सिस्टम हो गया, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार वाला सिस्टम हो गया, तो यहां पर तो नॉर्मली ग्रिड की कनेक्टिविटी ऐसे नहीं बना सकते, काफी डिस्टेंस पड़ जाती है, पर मेन लैंड को हम लोग अच्छे से कनेक्ट करके चल सकते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आंसर ढंग से कर पाएंगे। ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है और यहां पर यह बात की जा रही है नेशनल आर्टिफिशियल पोर्टल के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेसिकली अभी यहां पर नेशनल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जिसको बोला जा रहा है यहां पर INDAAI.gov.in। ठीक है, तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी देखने को मिली 28th जो मई है, यानी कि जो इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई अभी, और ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक साल इसको पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये अभी पहली वर्षगांठ इसकी बनाई जा रही है। तो ये जो पोर्टल है ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है, अकेले का तो काम है नहीं, अकेले के बस की इतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो काम कर रही है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है वो काम कर रहा है, और नेस्कॉम, तो ये सारे मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं जिसके चलते ये पूरा काम चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये रहता है कि क्या क्या चीजें हैं, देखिए क्या क्या हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप लोगों ने रजनीकांत की रोबोट देखी ना जिसमें चिट्टी रहता है, वो सारी चीजें, तो वो अकेला ही इंसान क्या क्या काम करता है, उसको बोला जा रहा है कि हाँ ऐश्वर्य राय का पेपर भी दिला दे, उसको पढ़ा भी दे। ठीक है, उससे सिक्योरिटी भी कराई जा रही है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत आ रही है उसका भी सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो एक तरीके से मल्टीपर्पज ये डिवाइस होती है, जैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गए, आप लोगों ने वहां पर क्या कर लिया, खेती भी कर ली, बेसिकली सिंचाई भी कर ली वहां पर आप लोगों ने, वहां पर मछली पालन भी कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी काम आप लोगों ने कर लिया, तो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर ये। पर ये जो बातें मैंने बोली है ये होती कैसे हैं, तो इसका पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मशीन ऐसे कैसे काम करती है इंसानों की तरीके से। तो इसी वर्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि जब मशीनें जो हैं वो इंसानों की मिमिक्री करने लगे, यानी कि इंसानों को फॉलो करने लगे, इंसानों के बिहेवियर के पैटर्न को बिल्कुल समझने लगे। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था इलोन मस्क साहब के बारे में, आज की डेट में हम लोग सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अच्छी अच्छी मशीनें बना ले, ये कर ले वो कर ले। इलोन मस्क साहब ये सोच रहे हैं कल को बहुत सारी मशीन हो गई और पूरी पृथ्वी को किसी ने कंट्रोल कर लिया, तो ऐसी भी चीजें होनी चाहिए ना कि उसको मशीन को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से भी एक वो नहीं कहते कि एक सदी आगे सोचना, तो वो वाली बातें देखने को मिलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर देखने को मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करती है। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग सबसेट होता है एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। मशीन अपने आप लर्न कर चीजों को अंडरस्टैंड कर ले, उसमें चीजें प्रोग्राम ना करनी पड़े आप लोगों को, उसको जो डेटा मिल रहा है उसके बेस पर एनालिसिस करें और फिर उसको अपने चीजों को अंदर संभाले, तो ये हो गई एक तरीके से मशीन लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग क्या होती है, चीजों को और अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड करना, ठीक है, कॉम्पिटिशन करना, मल्टीपल लेयर में चीजों को ढंग से समझना। न्यूरल नेटवर्क का नाम सुना है, दिमाग के अंदर चीजों को अगर आप लोगों को याद रखना है तो एक कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोग अच्छा ये क्यों बोला जाता है कि चीजों को रिवाइज करते रहो रिवाइज करते रहो, पता है इसका मतलब क्या है, आप लोगों का जो न्यूरल नेटवर्क है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर लंबे समय तक आप लोग उसको नहीं भूल पाओगे, इसीलिए बोला जाता है कि रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो ये ऐसे ही नहीं आ गई कोटेशन निकलकर,
वो आप लोगों का एक अच्छा न्यूरल नेटवर्क कंट्रोल क्रिएट कर देगी और उसको फिर एग्जाम में आप लोग याद कर पाएंगे। तो एक तरीके से सारा सिस्टम मशीन लर्निंग ये सारी चीजें एक जगह देखने को मिलेगी, तब जाकर एक सही रोबोट आप लोग तैयार कर पाएंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर हो। तो जो पोर्टल ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कम्युनिकेशन श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा, यानी कि दोनों मिनिस्ट्री इन्हीं के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इसी के साथ में लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन, तो दोनों के मिनिस्टर यही है, तो इनके द्वारा यहां पर ये काम किया गया। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर आप लोगों ने चाय पे चर्चा सुनी है, ऐसे यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा है। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मंथली चर्चा यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें थीम ये रहती है कैसे इंप्लीमेंट करना है ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं होना चाहिए पता चला लोगों को परेशान कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। सीधी सीधी बात है यार, कोई चीज फायदा पहुंचाएगी वही आगे बढ़ेगी, अगर चीजें नुकसान करना स्टार्ट कर दी तो उसको सब रोकने के लिए लग जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फायदा पहुंचा रही है। अगर आप लोगों को मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, एक बार मैं मदर डेयरी के प्लांट में घूमने गया था दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर जब उसके अंदर चीजें जाकर देखी तो पूरे प्लांट के अंदर में गिने चुने लोग काम कर रहे हैं और इतने लार्ज स्केल पर ये दूध सप्लाई किया जा रहा है, पूरा सारा का सारा काम जो है मशीन करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बेसिकली यूज किया जा रहा है। रोबोटिक्स के थ्रू सारी चीजें वहां पर चलती रहती है, पैकेजिंग होना, सारी चीजें कहां कहां से क्या क्या होना, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेसिकली इंसानों की रिक्वायरमेंट कम कर देती है, और जहां इंसान होता है वहां लालच होता है, इंसान हट गया तो लालच खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया, तो वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस फ्रेमवर्क रहता है, उसमें गलती होने के चांस काफी कम रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर ये लीप वाला यानी कि लाइव एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जीएसटी नेटवर्क में यूज किया जा सकता है ताकि फ्रॉड को पकड़ा जा सके, क्योंकि इंसान तो हर जगह लूप होल ढूंढता है कि कहां से पैसा बचाया जाए। कई सारी इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को, कई सारे और भी केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, बस ये है कि आना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें यूज करनी है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक एक बिहेवियर हो गया जिसके बारे में आप लोग एक बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ओके। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, मुझे लगा कि आज थोड़ा बहुत एक हल्का सा होने का, हल्का फुल्का, कभी कभी पेट सही रहता है अगर यानी कि डेली रोटी खाए जा रहे हो, एक आध दिन फास्ट भी रखा करो, ठीक है, एक आध दिन पानी पिया करो, कुछ फल फ्रूट्स खा लिए, ठीक है, हल्का खाना खाया, उन्हें कहते हैं कि हल्का फुल्का सा थोड़ा सा शरीर को भी एक शांति देनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ही डिस्कशन था ये हल्का फुल्का सा, आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर कॉपरेशन इंडिया और इजराइल के बारे में जाना डिटेल में काफी, जिसमें मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर कोई आंसर लिखने के लिए भी आ जाए ना कल को तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, ये काफी डिटेल में समझा एग्रीकल्चर के बारे में, क्या है ये दिक्कत जो बेसिकली व्हाइट फ्लाई है और कहां कहां पर ये दिक्कत देखने को मिलती है और क्या क्या दिक्कत चल रही है और कैसे कैसे हम लोगों ने इनके सॉल्यूशन के बारे में बात की, क्या क्या चीजें सारी समझी हम लोगों ने डिटेल में, ठीक है। तो आज की बात नहीं है, काफी पुरानी पुरानी मैंने आप लोगों को बात बताई। बाकी हम लोगों ने यहां पर ये ट्रांसमिशन के बारे में बात की कि यहां पर पावर ग्रिड को अभी यहां पर ये ट्रांसमिशन का जो सिस्टम था यहां पर मिल गया, तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज है, इसी ने बनाया बाद में इसी को दे दिया, तो वो वाली चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को जोन भी बताया, हमारी कंट्री में कहां कहां पर क्या क्या जोन थे वो भी हम लोगों ने समझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जाना क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या यहां पर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें हैं ये भी समझी। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। तो टकटकी लगाकर देखना, हाँ टकटकी लगाकर ही देखना था, ठीक है। तो इसी तरीके से यार एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।